मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता विजय सिंह जी के दुखद निधन पर अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूं। तो आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है, तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री जी? हर आवाज के को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। बर्बरता इस कदर इस हद तक बढ़ गई है कि पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। आपकी बनती है कि आपके शासनकाल में उठी हुई लाठी की वजह से अगर किसी एक बिहारी की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के द्वारा विधानसभा का घेराव करने के समय जिस तरीके से हंगामा हुआ, पुलिस के द्वारा लाठियां चली, जैसे बीजेपी के समर्थक और नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और तमाम तरह की जो घटनाएं हुई आप सब लोग जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जहानाबाद के प्रदेश महासचिव विजय कुमार सिंह की लाठी के जद में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके सर पर चोट आ गई थी, उनको पीएमसीएच लेकर के जाया गया इलाज के लिए। इलाज के दौरान विजय सिंह नहीं रहे। अब इसको लेकर के तमाम तरह से नीतीश सरकार की पुलिस की भर्त्सना हो रही है। इसी क्रम में चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया हुआ है, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता विजय सिंह जी के दुखद निधन पर अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूं। पर साथ ही मैं इस सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मौत का, और ये मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है, तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री जी? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज के को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। और अब तो बर्बरता इस कदर इस हद तक बढ़ गई है कि पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अगर ये एक अघोषित आपातकाल की परिस्थिति हमारे बिहार में नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है कि आपके शासनकाल में उठी हुई लाठी की वजह से अगर किसी एक बिहारी की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। तो सुना आपने, चिराग पासवान को बहुत बुरा लगा है इस दृश्य को देखकर के, यह तस्वीर जो देखा उन्होंने, जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके लोगों को पीटा जा रहा था। ठीक है, इनका कहना है कि कानून के जद में रह करके सारा कुछ किया जाता, लेकिन आज जो कुछ नीतीश सरकार के सिपाहियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा किया गया है, ये निंदनीय है। इनके द्वारा सरकार की कार्रवाई को लेकर के बहुत बुरा लगा है और इनके द्वारा उसकी भर्त्सना की जा रही है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।